वेदर देखो बिल्कुल फॉग फॉग सा हो गया है और मजा अल्टीमेट। जंगल देखो कितना घना है, इधर पाइन ट्री, ऊपर पाइन ट्री, ऊपर भी बहुत ऊपरी पाइन ट्री। खाऊं क्या एक? ठंडी में चाय आ जल गया। एक बात बताए भाई साहब, हाँ जी, जब सुसु करते हो तो सुसु निकलता चाय निकलती है। वो तो आप देख लेना, थोड़ी देर बाद मैं करूंगा, मैं देखूंगा, आप करोगे तो मैं देखूंगा। नेपाल बॉर्डर 0 किलोमीटर देख रहे हो, और इस तरफ से नेपाल जाता है और इधर अपना इंडिया है, इधर नेपाल है, बिल्कुल बॉर्डर पे कर रहे हैं भाई साहब। एक एक कदम लगाया तो नेपाल। हाँ जी दोस्तों, तो वापस से निकल चुके हैं हम लोग दार्जिलिंग के लिए, और फिर स्वागत करता हूँ नए व्लॉग में। ये बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट व्लॉग होने वाला है, और ये रास्ते में दिखाते जाऊँगा, इतना सीन खतरनाक है ना, अभी भी हमारा मिरिक ख़त्म नहीं हुआ है, मिरिक का सीन मैं दिखाता रहूँगा अभी भी। और फिर दार्जिलिंग चलते हैं, दार्जिलिंग में भी धूम मचाते हैं, उधर का भी दिखाते हैं। ये जो एरिया देख रहे हो ना इस साइड, ये बिल्कुल नेपाल का है। हम इंडिया में ना वैसे दादा, लेकिन ये घर नेपाल में है, इस तरफ का भाई। ये मे बी ये रोड है ना, ये बॉर्डर है आई गेस, है ना दादा, ये रोड बॉर्डर है, और इस साइड नेपाल आ जाता है और इस साइड अपना इंडिया आ जाता है। मैं दिखाता हूँ नेपाल के घर भी दिखाता हूँ इधर से ही। वैसे तो नेपाल का सीरीज देखना है तो मैंने पूरा ही प्ले लिस्ट बना रखा है, आप देख सकते हो, लेकिन मैं नेपाल इंडिया से भी दिखाता हूँ आपको। नेपाल में भाई सभी घर, नेपाल के घर सब नेपाल है। नेपाल अपना प्यारा नेपाल, मैं था नेपाल में गया था, बहुत मजा आया था, लेकिन इंडिया और नेपाल को एक साथ देखने का सौभाग्य पहली बार। भाई आधे रास्ते पहुंच चुके हैं, वेदर देखो बिल्कुल फॉग फॉग सा हो गया है, और मजा अल्टीमेट। भाई जो रील शूट किया हो ना, बहुत खतरनाक शूट किया हूँ, 12 किलोमीटर ही तय किया हूँ अभी तक, लेकिन भाई की हालत ख़राब हो गई यार, इससे मोशन सिकनेस आ गया, उल्टी आ रही है, अभी गाड़ी रोके हैं इसके लिए। और पाइन देखो, पाइन ट्री तो हर जगह ही है, ओह माय गॉड। भाई का देखता हूँ थोड़ा सा, इसको हेल्प करता हूँ इसकी। बस नेपाल बॉर्डर ये रहा भाई, इधर से एंट्री कर सकते हो नेपाल जाने के लिए, जाना है तो बिल्कुल ही जा सकते हो भाई, इधर से एंट्री नेपाल, गजब। हाँ जी जना, बस चाय ब्रेक ले रुके हैं, यहाँ पर ठंड देख रहे हो कितनी ज़्यादा है, टी शर्ट है पतली वाली, अंदर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ठंड सी लग रही है, बस चाय ढूंढते हैं। हाँ यहाँ से नेपाल 0 किलोमीटर, मैं अभी आपको दिखाता हूँ नेपाल बॉर्डर 0 किलोमीटर देख रहे हो, और इस तरफ से नेपाल जाता है और इधर अपना इंडिया है, इधर नेपाल है, बिल्कुल बॉर्डर पे कर रहे हैं भाई साहब। एक एक कदम लगाया तो नेपाल, बहुत सही है नेपाल भी, उठ जाके देखो क्या, कोई है ही नहीं, ना मिलिट्री वाले हैं ना कोई भी नहीं है, कोई भी रोकने वाले नहीं है, जाके देखता हूँ कोई रुकता है क्या। ये टेक्निकली ये चीज़ें नेपाल में है, ये शॉप वगैरह, और कोई नहीं, मे भी थोड़ा आगे जाने के बाद कुछ मिलिट्री वाले मिले, अभी तो कोई नहीं है। ठंडी में चाय आ जल गया, चाय बहुत ही सही है, कुछ चाय पीते हैं फटाफट, निकलते हैं यहाँ से, चाय ले लो, बहुत ठंडी है भाई। ये भाई साहब चाय के इतने दीवाने हैं ना, देखो दो दो, एक इसमें सिप ले रहा है, दिखाओ, एक इसमें से सिप ले रहा है भाई, ये इसके रग रग में चाय भरा हुआ है, खून नहीं। एक बात बताए भाई साहब, हाँ जी, जब सुसु करते हो तो सुसु निकलता चाय निकलती है। वो तो आप देख लेना, थोड़ी देर बाद मैं करूंगा, मैं देखूंगा, आप करोगे तो मैं देखूंगा। ये क्या तरीका है बोलने का, वो नहीं बोलता है, मैं करके आता हूँ आप देखोगे, देखूंगा, मैं सूटकेस की बात कर रहा हूँ, सूटकेस देखोगे, अच्छा अजीब आदमी है यार, तुम सुसु करोगे हम तुम्हें देखेंगे, तो इसकी सुसु चाय से कम नहीं है।
अगर आपको तलब लगे तलब नहीं ये चाय की जान है भाई तो आप अगर तलब लगे चाय की तो आप समझ लो क्या करना है आपको आस पास चाय ना दिखे ना सबको पता ही होगा नेपाल बॉर्डर पे हूँ और यहाँ पे वाईवाई मैगी ना मिले ये इम्पॉसिबल है बिल्कुल वेज है और मैं बनवा रहा हूँ अपने लिए वाईवाई और वाईवाई खाते हैं मैं बहुत मैं खाई नहीं वाईवाई यार एक चीज बताऊँ आपको हाँ बताओ मेरे को लग रहा है कि ये मैगी से भी पुरानी ये है वाईवाई वाईवाई बहुत साल पहले मैंने सुना इसका जब मैं छोटा था ना वाईवाई तब से सुन रहा है शायद मैगी से भी शायद मैगी वालों ने कॉपी कर लिया वाईवाई का क्या अरे भाई यही हो सकता है देखो हमने तो मैगी खाई है वाई वाई फर्स्ट टाइम खाऊंगा देखता हूँ अभी भैया बना रहे हैं हमारे खतरनाक वाई वाई इसको ना मतलब आप ऐसे भी खा सकते हो बिना उसके भी बिना उसको ना फ्राई किए वो पानी में डाले बिना पानी में ऐसे तोड़ो खाओ मसाला वसाला हाँ लेकिन ठीक है दोनों का अलग अलग टेस्ट होएगा स्वर्ग में पहुंचे हुए ठीक है ना स्वर्ग में है भाई साहब ये लो जनाब हमारी वाई वाई मैगी बन के तैयार है और भैया हमारे लिए निकाल लें और वेजिटेबल इसके अंदर होता है आप बाहर से डालें अंदर ही होता है नहीं 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 अच्छा बाहर से डालें धनिया सब ओके मुझे लगा अंदर ही होता है अगर फॉर्म ना होता अंदर भी चलेगा बहुत सही मैगी है अभी खा के देखते हैं टेस्ट कैसा होता है खाऊं क्या एक बहुत है स्पाइसी है तो भले से ट्राई करता हो वाई वाई मैगी ओ भाई साहब मैं कहता हूँ मैगी मत खाना कभी वाई वाई खाना है इधर से मैं 10 पैकेट ले लूँगा मेरे भी दार्जिलिंग में मिले ना मिले रख लेंगे भाई वाई वाई खाते हैं आज से बहुत जबरदस्त है टेस्ट इसका यार बहुत सही है भाई मैं नेपाल में वाई वाई मेरे को दिखाई नहीं कहीं अरे हर जगह मैं खाया ही नहीं पहली बार इंडिया में खा रहा हूँ इंडिया और नेपाल का बॉर्डर लव यू नेपाल तो मैगी वैगी खा के हम वापस से निकल चुके हैं अपने डेस्टिनेशन के लिए अभी कितना दूर बचा होगा यहाँ से एक घंटा और 45 मिनट दार्जिलिंग पहुँचने 45 मिनट और है लेकिन व्यू है कि भाई हमें मजे दिए जा रहा है ख़त्म ही नहीं हो रहा है और भाई व्यू के मजे लेते हुए ऐसा पता नहीं चला कि कितना घंटा बीत गया कितना घंटा बाकी है भाई मैं तो कहता हूँ दिन भर चलते रहो बस देखो सामने छोटा सा विलेज है जंगल देखो कितना घना है इधर पाइन ट्री ऊपर पाइन ट्री ऊपर भी बहुत ऊपरी पाइन ट्री हर जगह ही पाइन ट्री और भाई की हालत दोबारा ख़राब हो गई है तो हम थोड़ा ब्रेक के लिए रुके हैं और व्यू एक नंबर सामने से ट्रैक देख रहे हैं क्या टेक ये ट्रैक बिल्कुल ट्रेन चलती है यहाँ से दार्जिलिंग में वो बहुत पीछे से देखो रोड के साइड से ऐसे ट्रैक भी है रोड भी है कभी इधर से ट्रैक जाती है कभी इधर से ट्रैक जाती है कोई ट्रेन ना दिखी अभी तक ट्रेन दिखेगी तो मैं आपको दिखाता हूँ अरे भाई साहब बस पहुँच गए दार्जिलिंग भाई ये लौंडे की हालत तो अभी देखो कितना खिलता गया रास्ते में तो मुरझा गया था अभी दार्जिलिंग पहुंचे हैं और यहाँ रेलवे स्टेशन दिखाता हूँ मैं आपको अच्छे से और सामने शॉपिंग करते हैं फिर चलते हैं होमस्टे नहीं इस बार होटल है और हॉस्टल है दादा इस बार हॉस्टल चलते हैं देख लो भाई साहब कितनी धुंध मची पड़ी है यार और हम भाई साहब पैदल चले जा रहे हैं अभी होमस्टे यहाँ से 1.3 किलोमीटर है पैदल ही चलना पड़ेगा और सामने का नज़ारे देखो बिल्कुल धुंध आ गई है फॉग आ गया मार्केट के अंदर और क्रेजी मार्केट है भाई साहब इतना जबरदस्त है ना दिल खुश हो गया है दार्जिलिंग आके
अब कल का सीन देखते क्या होता है यहाँ पे। होम स्टे पहुँचते हैं। ओ भाई साहब इधर भी क्रेजी लग नहीं रहा है कि हम इधर दार्जिलिंग में। मैं पहले भी आया हूँ दार्जिलिंग, लेकिन ऐसा मेरे को दिखा नहीं क्रेजी मार्केट यार। ये मानसून है ना तो सब कुछ नया दिख रहा है। गीली रोड और बिल्कुल फॉग फॉग हो रखा है भाई। ये अपना लौंडा मजे ले रहा है भाई, अभी तक तो मर रहा था ये। सही है अरे चाय निकलेगी नीचे से भी ऊपर से भी तुम्हारे। चाय मत पियो भाई तुम। हाँ चाय भी लेना भाई यार। वही तो चाय भाई इसके लिए भाई ऐसा लगता है वाइटमिन है, सांस है, ऑक्सीजन है भाई, सब कुछ है। चाय है तो सब है, चाय है तो सब है। चाय नहीं है तो लौंडा 2 किलोमीटर ना चल पाए, 2 किलोमीटर 2 कदम ना चल पाए भाई। चाय जरूरी है भाई। भाई थक हार के अपने रूम में आ चुके हैं। ये होम स्टे है, आप देख लो होम स्टे है, होटल है होम स्टे नहीं है। होम स्टे हर जगह नहीं मिलता तो है लेकिन हम ढूंढ नहीं पाए। और आज का व्लॉग इतने रखते हैं, बहुत ही थक गए हैं, रात के बहुत टाइम हो गया। हम रील वगैरह एडिट वगैरह करके इंस्टाग्राम पे डाल भी चुके हैं और आपसे मिलते हैं कल के व्लॉग में। कल का व्लॉग एकदम फन होने वाला है क्योंकि दार्जिलिंग आप घूमोगे और हम भी घूमेंगे। कल का व्लॉग नहीं बोल सकते, नेक्स्ट व्लॉग बोलेंगे क्योंकि थोड़ा लेट आ रहा है व्लॉग। तो ठीक है, तब तक मैं भी सोता हूँ, आप भी सोइए, अपना ख्याल रखिए, हमारा भी ख्याल रखिए। बाय बाय।